10 सच्चे अजीबोगरीब जानवर जो आप मानेंगे नहीं कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, जब पृथ्वी के सारे राज खुलने लगे हैं, सारे कॉन्टिनेंट्स पर इंसान पहुंच चुके हैं और तो और सारे पर्वतों पर भी इंसानों द्वारा चढ़ाई कर दी गई है। लेकिन नेचर इतना ज्यादा सरप्राइजेस से भरा पड़ा है कि आप जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं उससे भी हटके बहुत कुछ इस दुनिया में मिला है जो कि आपको नामुमकिन पर यकीन करने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, ए स्टार फैक्ट्स ने आपके लिए दुनिया के 10 अजीबोगरीब जानवरों की लिस्ट तैयार की है जिनके बारे में शायद ही आपको कभी किसी ने बताया होगा। तो दिल थाम कर बैठ जाइए और वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में हमने आपके लिए एक बोनस रखा है जो आपके होश उड़ा देगा। नंबर 10, मंगलित्सा पिग या कहूं भेड़ के कपड़ों में सुअर। इन घुंघराले बालों वाले सुअरों का जन्मस्थान हंगेरी है जहां पर इन्हें 19th सेंचुरी के मध्य में खोजा गया था। ये जानवर उनसे ढके हुए होने कारण हमें भेड़ जैसे दिखते हैं, लेकिन ये है एक सुअर। इन सुअरों का ऊन लाल या काला हो सकता है, लेकिन फीमेल ज्यादातर सफेद होती है और इस तरह से अमेजिंग नेचुरल हीटर के रूप में उन वाले सुअरों की ये इकलौती प्रजाति है। और दुख की बात तो ये थी कि 1990 में ये भी एक्सटिंक्ट होने वाले थे जब हंगेरी में ऐसे केवल 200 सुअर ही बचे थे और इसका कारण उनकी चर्बी का मजेदार स्वाद था। लेकिन अब हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 9 पर है राइनोपिथेकस या कहूं गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी। दरअसल दोस्तों, ये रॉक्सिलाना प्रजाति के बंदर हैं और इनके इस नाम के पीछे एक कहानी है। दरअसल दोस्तों, सुलेमान द मैग्निफिसेंट जो कि टर्क साम्राज्य के सुल्तान थे, उनकी और उनकी एक बीवी दोनों की नाक चपटी थी और उनके सम्मान में इन बंदरों को इस नाम से बुलाया जाता है। और एक दिलचस्प बात, इनमें नर और मादा बंदर में रहने वाला फर्क है जिसमें नर मादा के मुकाबले भारी होते हैं और अलग रंग के होते हैं और मादा के सिर पर और ऊपरी हिस्से पर एक काले रंग का टोन होता है। और छोटे बच्चों के बारे में तो क्या ही कहूँ, इनका रंग इतना लाइट होता है कि सनलाइट में ये चमक उठते हैं। नंबर 8 पर है सम्राट टैमरिन। ये जानवर दिखने में एक सम्राट या कम से कम एक बुद्धिमान बुजुर्ग जैसा दिखता है और हकीकत में इस जानवर की मूछें जर्मन सम्राट जॉर्ज विल्हेल्म II के जैसी होने के कारण इन्हें ऐसा कहा जाता है। ये छोटा क्यूट सा जानवर कद में 10 इंच यानी कि 26 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन इसकी पूंछ 16 इंच यानी कि 40 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। ये जानवर ज्यादातर 4 से 20 जानवरों के समूह में रहते हैं और अक्सर जुड़वा बच्चों को ही जन्म देते हैं। ये जानवर पूरी तरह से शाकाहारी भी नहीं है। फल फूल अमरूद के अलावा ये जानवर फ्रॉग्स, स्नेल्स और छोटे पंछियों को भी खाते हैं। नंबर 7, पेटागोनियन मारा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये जानवर कैंगरू और खरगोश का कॉम्बिनेशन है तो एक बार फिर से सोचिए, क्योंकि पेटागोनियन मारा धरती का चौथा सबसे बड़ा रोडेंट है। उनके बारे में कई मजेदार बातें हैं। सुरक्षा के लिए मादा अक्सर संतानों को क्रंच में रखती हैं और नर अपने बच्चों की रक्षा करने में मादा की मदद करते हैं। जब ये जानवर डर जाता है तो ये गुर्राने लगते हैं और गिनी सुअर की तरह आवाज निकालते हैं। अगर आप इस आप जानवर को चौंका देते हो तो ये हवा में 6 फीट यानी 182 सेंटीमीटर ऊंची छलांग लगाएंगे जो किसी इंसान के लिए करना बहुत मुश्किल है। अगर बात करें इनके कैरेक्टर की तो ये जानवर बहुत चंचल होते हैं। नंबर 6, फ्लफी काओ। बड़े क्यूट खिलौने जैसी दिखने वाली इन गायों के पीछे कई राज छुपे हुए हैं। सबसे पहले ये कोई नई प्रजाति की गाय नहीं है, ये वही प्रजाति के हैं जिन्हें हम पहले से जानते हैं। फर्क ये है कि इनका ध्यान खास लोगों द्वारा रखा जाता है जिनका काम है इनकी साफ सफाई करना, सवारना और इन पर नए नए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके उन्हें ज्यादा से ज्यादा फ्लफी दिखाना। ये काम दिखने में जितना आसान है उतना ही मुश्किल इसे डेली बेसिस पर करना है और इन गायों को ऐसा रूप देने में महीनों तक इन्हें सवारना पड़ता है और ऐसा आमतौर पर शोज के लिए किया जाता है और इस गाय को फॉर्म में लाने के लिए तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। इनके बालों को सेट करने के लिए हेयर स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है और इनके फर को ज्यादा चमकदार बनाने के लिए नेचुरल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, मारखोर बकरी। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा जानवर दिखता है जिसे देखकर आपको लगता है कि
वो जानवर आसमान से किसी एलियन सिग्नल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो जानवर और कोई नहीं मारखोर बकरी है। मारखोर बकरी सिर से लेकर पूंछ तक 6 फीट यानी कि 180 सेंटीमीटर जितनी बड़ी होती है। और इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात इस जानवर के सींग है जो कि 5.2 फीट यानी कि 1.6 मीटर लंबे होते हैं। लेकिन ऐसे सिर्फ मेल बकरों के सींग होते हैं जो कि उन्हें मेटिंग सीजन में लड़ाई करने में काम आते हैं, जबकि फीमेल्स के सींग केवल 10 इंच यानी कि 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बकरे पूरी तरह से शाकाहारी हैं। नंबर 4, रकून डॉग। दोस्तों, अगर आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको एक कुत्ता पालना चाहिए या एक रकून, तो मेरे पास आपके लिए एक आंसर है और वो है एक रकून डॉग। इस जानवर के फर पर रकून जैसे निशान होने के बावजूद नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले रकून से इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। इनके सबसे करीबी रिश्तेदार हैं डॉग्स, वुल्व्स और फॉक्सेस। कुत्तों के परिवार से होने के बावजूद रकून डॉग मोनोगेमियस होते हैं, यानी कि ये अपनी पूरी जिंदगी एक ही साथी के साथ बिताते हैं। जब मादा रकून डॉग गर्भवती होती है, तब नर मादा के लिए खाना खोज कर लाता है और फूल भी लाता है, लेकिन फूल लेट आज तक किसी ने देखा नहीं है, इसलिए ये मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये रकून डॉग डॉग फैमिली के एकमात्र ऐसे मैमल्स हैं जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हाइबरनेशन में जाते हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि रकून डॉग हमेशा कपलर्स में ही सोते हैं, और इनके बहुत ही ज्यादा क्यूट आवाज के बारे में तो क्या ही कहूं। नंबर 3 पर है ब्लू फुटेड बूबी। दोस्तों, अगर आप गैलापागोस के आइलैंड्स पर जाते हो तो ब्लू फुटेड बूबी एक ऐसा एनिमल है जो आपका अपनी ओर ध्यान जरूर खींचेगा। ये जमीन पर थोड़े फनी और अजीब दिख सकते हैं, लेकिन उड़ते और तैरते हुए ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। मादा पंछी को अट्रैक्ट करने के लिए नर ऊंचे ऊंचे कदमों से चलना, अपने पैरों को थपथपाना और आकाश की ओर इशारा करते हुए ऊंची ऊंची सीटी के साथ अपनी चोंच को हवा में ऊपर उठाना जैसे स्टेप्स के साथ डांस करते हैं। अगर कोई मादा किसी नर से काफी प्रभावित है तो वो नर के पास आकर उसे अपनी चोंच से छू सकती है और डांस में शामिल भी हो सकती है, और उनके नीले पैरों की वास्तविक वैज्ञानिक व्याख्या है। ये पक्षियों के मछली के आहार से आता है और उनकी हेल्थी इम्यून सिस्टम को इंडिकेट करता है। और आपके पैरों के रंग के बारे में क्या ख्याल है? नंबर 2 पर है मलायन कोलुगो। ये आंखें शायद बहुत कुछ देखती हैं और उन्हें हर चीज आश्चर्यजनक लगती है। यह मलायन कोलुगो है जिसे फ्लाइंग लेमूर के नाम से भी जाना जाता है, और ये दोनों ही बातें गलत हैं। यह ना तो उड़ सकते हैं और ना ही यह लेमूर है। हाँ, ऐसा अक्सर होता है कि नाम पुकार गलत बात हो जाए। तो ऐसा नाम क्यों? कोलुगो में उड़ने वाली गिलहरी की तरह एक बड़ी ग्लाइडिंग मेम्ब्रेन होती है और वे दूर खड़े पेड़ों के बीच लंबी दूरी तक सरक सकते हैं। इन छोटे जानवरों के साथ विरोधाभास है उनका वजन, जो आमतौर पर 2.5 से 4.5 पाउंड यानी 1 से 2 किलोग्राम के बीच होता है। हालांकि वे पेड़ों पर रहते हैं, लेकिन वे अजीब पर्वतारोही होते हैं और बहुत मजबूत नहीं होते हैं। उनका जीवन काफी कठिन होता है। नंबर 1, वेनेजुएला पूडल मोथ। ये इंसेक्ट 2009 में ही खोजा गया है, और क्या ये प्यारे पूडल प्रजाति के कुत्तों जैसा नहीं दिखता है? मैमल्स को अपने शरीर को गर्म रखने के लिए बालों की आवश्यकता होती है, लेकिन कीड़े ठंडे खून वाले होते हैं, और भले ही पूडल मोथ देखने में ऐसा लगता है जैसे कि वो इन सभी बालों के साथ अंटार्कटिका में रहता है, लेकिन ये वास्तव में वेनेजुएला, एक ट्रॉपिकल कंट्री से आता है। इसके बाल गर्मी पैदा करने के काम नहीं आते। ज्यादातर कीड़ों के पास बाल सुरक्षा, सूंघने या टेम्परेचर को महसूस करने के लिए होते हैं। शायद ये पूडल मोथ के बारे में भी सच है, लेकिन क्योंकि यह बिल्कुल नई खोज है, इसलिए इस मोथ के बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं है। तो क्या ये कडली है? हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन संभावना अधिक है कि ये उतना कडली नहीं है जितना आप चाहते हैं। और यहाँ पर है हमारा इनक्रेडिबल बोनस, क्लाउड एंटेलोप। ये प्रजाति बादलों में रहती है, इसीलिए ऐसा नाम है। इसका चमकीला नीला फर उन बादल बिना के आसमान को प्रतिबिंब करता है जहाँ पर ये रहते हैं, और इसके आहार में सूर्य की किरणें और मिठाइयां शामिल हैं। और क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? मैं भी नहीं करता। ये CMY1 द्वारा बनाया गया एक शानदार खिलौना है, लेकिन क्या हम इसके रियल लिविंग एनिमल होने के बारे में थोड़ी देर के लिए सपना देख ही सकते हैं ना?
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी चैनल ए स्टार फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।